प्री डायलिसिस स्टेज, वो पेशेंट जिनके यूरिया और क्रिएटिनिन नॉर्मल से अबव हो गए हैं लेकिन अभी उस रेंज तक नहीं पहुंचे कि उनकी डायलिसिस स्टार्ट हो सके, तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर्स के पास आमतौर पर दो ही ऑप्शंस होते हैं, लेसिक्स यानी डायूरेटिक और दूसरा स्टीराइड्स। लेकिन जब इनके इस्तेमाल के बावजूद भी यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ता जाए और पेशेंट प्री डायलिसिस से डायलिसिस की स्टेज तक बढ़ना शुरू हो जाए तो इसको स्टॉप करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं होता। ऐसी सूरत हाल में जब पेशेंट मुझसे कंसल्ट करते हैं तो मैं उनको अपने हर्ब ओरिएंटेड मेडिकेशंस देता हूं, जिससे ना सिर्फ पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट बढ़ जाता है बल्कि इन मेडिसिन के चंद माह के इस्तेमाल से ही उनके यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल भी नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं और वो डायलिसिस के खतरे से भी बच जाते हैं, क्योंकि एक दफा जब पेशेंट डायलिसिस में चला जाता है मोस्टली इससे निकलना और इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है और फिर सारी जिंदगी इसी डायलिसिस के सर्कल में ही आदमी को चलना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह कई पेशेंट मेरी इन मेडिसिन की वजह से प्री डायलिसिस स्टेज से निकलकर नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। इन मेडिसिन के लिए आप पाकपतन भी तशरीफ ला सकते हैं, ऑनलाइन भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और इन मेडिसिन को ऑनलाइन भी हमसे परचेज कर सकते हैं।